खसूसी बातचीत सुनाएंगे। कौशलेन प्रताप सिंह ने बताया कि किस तरीके से क्या हालात थे जब वो वहां पर गए थे दबिश में, तो किस तरीके से लोगों ने उन पर चारों तरफ से घेर करके फायरिंग की, किस तरीके से ये कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने उन पर हमला करवाया और कैसे वो इस हमले में अपनी जान बचा करके वहां से बच सके। और बड़ी चीज ये है कि उन्होंने अपनी जान बचाने के साथ साथ अपने दो थाने के दो सिपाहियों की भी जान बचाई, ये एक बड़ी चीज है। हम आपको अभी कुछ बस सामने हम दिखा रहे हैं आपको कि कौशलेंद्र प्रताप सिंह किस तरीके से उन्होंने अपनी बात पूरी सुनाई के न्यूज पर। देखिए कौशलेंद्र प्रताप सिंह की बात सुनिए। पूरा घटनाक्रम इस तरह से है, उस दिन जिस दिन घटना हुई उस दिन सबसे पहले मुझे एसओ सोबेपुर द्वारा फोन से सूचना दी गई थी कि एक दबिश में चलना है। तो हम लोग जो है दबिश के लिए यहां से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे और निकलने के बाद में वहां तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुंचे हैं। जैसे ही पहुंचे हैं तो पहले तो हम लोगों ने गाड़ियों को अपनी गाड़ियों को जो है वहीं नजदीक वहां से करीबन 150-200 मीटर जो है पार्क कर दिया था। तो पार्क करने के बाद में वहां से हम लोग पैदल गए हैं। जो ही हम लोग पैदल पहुंचे हैं तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से, वो जेसीबी लगा कर रखी तो वहां से हम लोग जो है एक एक करके जैसे ही उसके घर के नजदीक पहुंचे हैं तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। क्योंकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की, लेकिन क्योंकि टारगेट जो है हमें नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। बस यही घटनाक्रम है। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने जो है दो लोगों को ये बताते हैं कि किस